Welcome back. I'm Udai Pratap Singh. As election day draws closer for the constituency of Varanasi, the Kashi Report is a special series on NewsX where we endeavour to map the Prime Minister's role in bringing about a positive impact in his constituency. In this telecast, we will take you to Ground Zero, where beneficiaries of the PM's welfare schemes have had their say only on NewsX. Let's take a look at this report filed from Varanasi by my colleague Akash Yadav that focuses on beneficiaries of the PM Awas Yojana. प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी के मकान के पास मौजूद हूं। सबसे पहले ये बोर्ड दिखा दूं आपको, जिसको भी आवास का लाभ मिलता है उसके बाहर जब आवास बन जाता है तो ये बोर्ड लग जाता है। आप देख सकते हैं जो लाभार्थी का नाम है राजमणि, उनके पति का नाम है राजा राम, और जो मकान बना है ये दो फ्लोर का बना है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि दो फ्लोर का ये मकान बन चुका है। अब हम अंदर चलेंगे, जो लाभार्थी हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए ये कमरा है, सीढ़ी है, उसके बाद बाथरूम है और ये किचन है, उसके बाद देखिए ये बेडरूम है। हम अंदर चलेंगे, चूंकि किचन है तो सूज निकाल के हम अंदर चलेंगे, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास आप प्राप्त की हैं, इसके बारे में जानकारी कैसे हुआ आपको? सर मतलब मंत्री जी के कलियारे पर गए, वहाँ पर एक योजना सुने, यहाँ पर आए, जा करके डूडा में अपन फार्म भरे, प्रधान जी हमने के आवास दिए, हमने के कच्चा का मकान रहल, चुवत रहल, रात भर सुतन न जान जा, फिर नुकरे बाद में उन देहलन अंकल जी, तो आवास बनल हमने के, यही में अपन हमने के उजाला मिलल। ये घर आपको कब मिला, कैसे, कितना समय लगे बनने में और खाते में कितना पैसा आया? सर 2.5 लाख रुपया आया। आवास से पहले आप लोग कहाँ रहते थे, मकान कैसा था? सर यही में रहे, जहाँ पर हैं वही पर रहे, कच्चा मकान रहल, चुवत रहल, रहे के ठेकान ना रहल, यही में अपन मुंजामी मुंजामा छा के रहन जा, छा के अपने में रह जा, अंकल जी हमन लेके देलन, हमनी लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है, तई तबा खुश नहीं है सर, मतलब कि हम ही लोग चाहते हैं कि यदि पारी अंकल जी बेस फेन आके सरकार हमने का बन जाए। अच्छा, एक सवाल और, आप बार बार अंकल जी किसे कह रही हैं? मोदी अंकल। अच्छा, हम दूसरे मकान में आ गए हैं और ये भी मकान प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी का है। देखिए लाभार्थी का नाम नथुन देवी है, उनके पति का नाम शभा नारायण है और ये जो मकान है ये दो फ्लोर की है, पूरी तरीके से तैयार है। हम अंदर चलेंगे, जो लाभार्थी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, इस प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानकारी आपको कैसे हुई थी? जब पहले हम लोग का घर चूता बाता था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जब चुनाव में आए, सरकार बने, उसके बाद प्रचार होने लगा कि आवास मिलेगा, आवास मिलेगा, तो हम लोग भी फॉर्म भरे, आवास मिली भी और लिए भी, हम लोग मकान बनाए हैं। जैसे कितना समय लगा इस आवास को प्राप्त करने में, कितना पैसा आपके खाते में आया? आया था 2.5 लाख। ये करा था कि पहले आवास कैसा था और समस्याएं क्या क्या होती थी? पहले का आवास जो बना था वो आवास में मतलब कि आधा से ढेर ही बालू था और यह है तो पैसा खाते में हम लोग के हाथ में आया, हम लोग अपने हिसाब से बनाए हैं, जैसे हम लोग के बनाना चाहिए। अच्छा, वो ढंग से अपने हिसाब से। जब से आप इस मकान में रहने लगी, मकान बन गया, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जी यही है कि सुरक्षित हैं, शांति से हैं, अपने हिसाब से बना लिए हैं, और उस मकान में बहुत दिक्कत होती थी। ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में सबसे पहले दिखा देता हूँ, जो लाभार्थी का नाम है सुभद्रा, उनके पति का नाम शिवनारायण। हम अंदर चलेंगे, हमारे साथ लाभार्थी भी हैं। क्या सुभद्रा आप ही का नाम है? कैसे आपको जानकारी कैसे हुआ आवास के बारे में? तो मोदी आवास, मोदी भैया का आवास पास हुआ, हम सुने, हमके हम भी करेंगे आवास पास, हम लोग का बहुत गरीबी है भैया। कितना समय लगा आवास पास होने में? ओ लगा 3 महीना लगा हमारी आवास पास करने में। कितना पैसा आया आपके खाते में? हमारी पूरा आ गया है। इसके पहले कहाँ रहती थी, कैसा मकान था? हमारी टीना था, करकट। अच्छा, जीवन पहले कैसे था, बनने के बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत बदलाव आया भैया, अब हम लोग के यही तकलीफ है कि हम लोग के रोजी रोजगार नहीं है। Up next, we have the beneficiaries of the PM Swanidhi scheme for medium and small cap enterprises. The scheme was brought in to inject funding into the businesses of street hawkers who form an integral part of the Indian economy. Let's see what the beneficiaries of the scheme in Varanasi have to say. Hmm.
हमारे साथ एक ऐसे स्ट्रीट वेंडर है, न केवल इनको स्वनिधि योजना का लाभ मिला है बल्कि इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारे साथ सती कुमार गुप्ता जी हैं। कैसे आपको इस योजना के बारे में लाभ मिला और कैसे जानकारी मिली, इसे बताइए। ये हमें नगमा पालिका में गए, नगर निगम में, उसमें हमको जानकारी मिला, मतलब कि हमारा रोज़गार, मतलब कोविड में हमारा रोज़गार बंद हो गया था, उसमें हमको लाभ मिला। 10,000 पहले मिला, फिर 20,000 मिला, 50,000 मिला, उसके द्वारा से हमारा रोज़गार बढ़ गया है। काफ़ी हम उनका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का, हमको बहुत लाभ मिल रहा है उनके वजह से। इस योजना से आपके जीवन को कितना बेहतर मुकाम हासिल हुआ या जीवन गुजारा जैसे चल रहा है? हमें जीवन गुजार तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर। उसमें ये है कि हमको इतना लाभ मिल रहा है उनके द्वारा कि हम क्या बताएं उनका, हम उनका शुक्रगुजार कर रहे हैं कि बहुत हमको लाभ मिल रहा है, हमारा रोज़गार बढ़ रहा है, हमारा बाल बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उसमें हमको थोड़ा सी दिक्कत भी नहीं आ रहा है कि दिक्कत आ रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। कोविड ने आपके व्यवसाय को कितना नुकसान पहुंचाया? नुकसान तो बहुत पहुंचाया था, मगर कोविड में हमको बहुत लाभ मिला ना सर, मतलब कि हर योजना हमको मिला है। इसे कह सकते हैं कि स्वनिधि योजना से आपके व्यवसाय को बढ़ाने में एक बड़ी मदद मिली? बड़ी मदद मिली है सर। हमारे साथ महिला स्ट्रीट वेंडर हैं, इनको स्वनिधि योजना का लाभ भी मिला है, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। आपको इस योजना का लाभ मिला है? हाँ। कैसे पता चला था इस योजना के बारे में आपको? मेरे जब कोरोना काल हुआ, मेरा दुकान बंद हो गया, बहुत परेशानी था मेरे बच्चे के, तब ऐसा किए कि अच्छा मोदी ने लाभ रथुआ किए, 10,000 का लोन दिए, उसे उठाकर अपने दुकान में लगाए थे, 10,000 से 20,000 हुआ, जैसे ऐसे बढ़ाकर माल अपने बढ़ा लिए, फिर दुकान लगाए, दुकान लगाकर बच्चे को पढ़ना पड़ा। ये योजना आपके जीवन के लिए कितना बेहतर काबिल हुआ? अच्छे के लिए काबिल हुआ। अरे मेरा जब दुकान टूट गया तो मैं लाभ पाए, उधर से योजना पाए, अपना दुकान में पूंजी लगाए तो फायदे के लिए हैं। अच्छा, कोविड आपके जीवन के लिए कितना नुकसान हुआ, आपके व्यवसाय के लिए कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ, मेरा दुकान डलिया बंद हो गया, मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, किसी से पैसा मांगते तो कोई दे नहीं सकता है, देते तो ब्याज पर देते। हमारे साथ तीसरे स्ट्रीट वेंडर है जिसे पीएम मोदी के द्वारा स्वनिधि योजना का इनको भी लाभ मिला है। सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे, आप कब से स्ट्रीट वेंडर है, कब से रेहड़ी पट्टी की दुकान लगा रहे हैं? यार धीरे धीरे 15 साल हो गया। स्वनिधि योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? जी वो मोदी जी वाला स्वनिधि योजना, तो वो जब जो पढ़ा था भाई कोरोना काल में, तो उन्होंने ये स्कीम आया तो सबने उसका लाभ होता है, सब उस समय खाने बिना आदमी मर रहा था, लेकिन उसका लाभ बहुत आदमी को फायदा हुआ 10,000 रुपये से, 10,000 में उसका जीविका कुछ आगे बढ़ा, 50 दिन 60 दिन बंदी होने के बाद आदमी निकला, तो वही उसके लिए आगे का हथियार था। यह योजना आपके जीवन के लिए कितना बेहतर हुआ? बहुत बेहतर हुआ, उसे बहुत लाभ मिला हमको, 10,000 बाद 20,000 मिला, थोड़ा और आदमी गाड़ी घोड़ा अपना आगे घसकाया। कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ आपके? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि अब जिसका 50-60 दिन दुकान बंद हो जाए, इसके 8-10 आदमी खाने वाले हो घर में, एक आदमी कमाने वाला हो, तो उसके लिए 10,000 10 लाख के बराबर हो गया ना। मदद किया कहा नहीं, मदद किया किसको श्रेय देना चाहेंगे? भाई जो इसका योजना निकाला था श्री अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भी उनके आभारी हैं हम लोग, हम स्टेट वेंडर वाले हैं, कल भी थे, अब आगे भी रहेंगे, इनका सरकार जब तक रहेगा हम लोग तो सहयोग सदैव उनके साथ है, आगे आने वाले चुनाव में भी मेरे घर में 42 वोट है उन्हीं को जाएगा, जिससे हमको फायदा है, जिससे हमको नुकसान है उससे हम लोग क्या मतलब, कोई पूछने आया इस मरण जो आदमी मर रहे थे उबल रहे थे खाने बिना मर रहे थे, कोई पूछने नहीं आया, देखो बर्गर रखे बोरा का बोरा नोट लो, गरीब आदमी के लिए 10 रुपया बहुत है उसके लिए, एक कम से कम एक पैकेट दूध लिया चाय तो बनाकर रोटी के साथ खा सकता है, अब सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे फुटपाथ पे लोग कैसे जीते, इतना लाभ दिए वो 10,000 कम नहीं है किसी जीविका चलाने के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए, सब्जी का भी दुकान लगा लगा 10,000 रुपया लगा तो 4-500 कम आदमी चलाएगा उससे। कब से ये कारोबार आप कर रही हैं? 5-6 साल से, 5-6 साल से कारोबार कर रहे थे। स्वनिधि योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? नगर निगम से पता चला, योजना का वही 10,000 रुपया लिया था, तब अपना कारोबार आगे बढ़ाए थे।
अब छोटे छोटे कपड़ा ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटे ही में है। यह योजना आपके जीवन के लिए कितना बेहतर साबित हुआ? अब बेहतर साबित हुआ उतना में क्या होएगा, छोटे छोटे बच्चे उतना तो पूंजी टूट गया, उतना भरे में खाए में पूंजी उससे फिर टूट गया है। कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ आपके व्यवसाय में? तो बहुत ही नुकसान हुआ कोरोना काल में, क्या धंधा पानी सब बंद हो गया, लड़कन का पढ़ाई लिखाई सब उसी में बंद हो गया, तो कोरोना में क्या धंधा करेंगे। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस योजना के बारे में? योजना के बारे में अरे बाटा मोदी सरकार, उन्हें के योजना के बारे में श्रेय देंगे। अनिल कुमार निगम। अच्छा अनिल जी, कब से आप इस कारोबार में जुड़े हैं? करीब 35 साल से। अच्छा, स्वनिधि योजना के बारे में आपको कैसे जानकारी? योजना मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे हम लाभान्वित भी हुए और हमने आवेदन किया नगर निगम और हमारे संगठन के द्वारा हमको पता चला है तो हमको बड़ा अच्छा लगा और हमने आवेदन किया तो जो है हमको लाभ मिला उसका जो है। अच्छा, ये योजना आपके जीवन के लिए कितना बेहतर साबित हुआ? ये कोरोना काल के बाद ये बहुत अच्छा रहा है और इससे मैं लाभ भी प्राप्त किया हूँ और आगे इससे भी और जो बढ़ के मिलेगा उसके लिए भी मैं आशान्वित हूँ। कब ये चलता रहे, हम इसके लिए सरकार को और अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। कोरोना काल के दौरान आपके व्यवसाय में कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान, उस समय हम एकदम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये स्थिति थी। अगर ये स्वनिधि योजना का लाभ हमको प्राप्त नहीं होता तो शायद मैं व्यवसाय नहीं कर पाता। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहन प्रसाद। अच्छा मोहन जी, कब से इस कारोबार में आप जुड़े हैं? 20 साल से। अच्छा 20 साल से जी। आपको स्वनिधि योजना के बारे में कैसे पता चला? हमारा स्टेट वेंडर से मालूम चला, नगर निगम प्रशासन से मालूम चला, तो हम लोग 10,000 रुपया लिए। उस कोरोना काल में 10,000 रुपया बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि हम लोग पटरी बेच वो कपड़ा रेडीमेड बेचने वाले कोई कपड़ा खरीद नहीं रहा था कोरोना काल में, तो हम लोग के लिए आशीर्वाद था 10,000 रुपया। फिर 10,000 हम लोग लिए भरे, फिर 20,000 मिला, फिर 50,000 मिला, इसलिए हम लोग दुकान अपना अच्छे से चला रहे हैं, परिवार चल रहा है, जीविका चल रहा है। अच्छा ये योजना आपके जीवन में कितना बेहतर साबित हुआ? बहुत बेहतर साबित हुआ, जो ब्याज पर देते थे पैसा रोज रोज ही वाले ले। हमारे साथ 8वें स्ट्रीट वेंडर हैं और ये भी आप देख सकते हैं कि ठेले पे जूते चप्पल की दुकान खोले हुए हैं, ये कैंट स्ट्रीट स्टेशन के पास खोले हुए हैं और इनसे हम बात भी करना चाहेंगे किस तरीके से इनको इस योजना के बारे में पता चला और कब से यह कारोबार के बारे में जुड़े। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण कुमार मौर्य है। स्वनिधि योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? ये हम लोग संगठन के माध्यम से मालूम चला और इसको हमने लिया भी सर। हमारे साथ बनारस के 9वें स्ट्रीट वेंडर हैं और ये भी कैंट स्थित पर बैग की दुकान खोले हुए हैं और मौजूद भी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा भाईलाल नाम पड़ेगा, भाईलाल। स्वनिधि योजना के बारे में आपको कैसे पता चला? पता चला हमको जो है नगर निगम से, अपना संगठन से पूरा पता चला जो है, तब जो है तो 10,000 का हमने लोन लिया जो नरेंद्र मोदी जी ने जो पास किए थे, तो भाई गरीबों के लिए, तो जो है दुकान हमने फिर ले करके किया। हमारे साथ एक ऐसे स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं जब कोरोना काल में पीएम मोदी ने सबसे पहले इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया, इस योजना के बारे में लोगों को बताया, उस समय बनारस में अरविंद मौर्य को यह योजना पहले लाभ इनको मिला और पीएम मोदी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे इस योजना के बारे में पूछा। अरविंद जी, पीएम मोदी से आपने मुलाकात भी किया है वर्चुअली तरीके से, उस मुलाकात में पहले क्या बातें हुई वो बताइए। मैं पहले प्रधानमंत्री जी ने मुझसे वर्चुअल संवाद 2020 में किया था 22 अक्टूबर को, और उन्होंने वर्चुअल संवाद में मुझसे पूछा गया कि अरविंद जी आपको 10,000 रुपये का लोन मिला, जो कैसे मालूम हुआ लोन कैसे मिला? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप इस योजना का श्रेय किसको देंगे? मैं इस योजना का पहले श्रेय तो अपने प्रधानमंत्री को दूंगा, उसके बाद अपनी फेरी पटरी व्यवसाय समिति को दूंगा। Let's take a look now at the beneficiaries of the Ujjwala Yojana, women who have received the Prime Minister's subsidy for LPG cylinders and how it's changed their lives. We have some beneficiaries of Ujjwala Yojana with us. Let's have a look towards them. Kya naam hai aapka?
हीरा देवी। आपको एलपीजी सिलेंडर यूज करते हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल। और उज्ज्वला योजना ने आपकी किस तरीके से मदद की है? लोग वहाँ सभा में गए थे तो वहाँ से पता चला, फार्म भरे, फिर मिला को गैस। तो उज्ज्वला योजना ने आपकी मदद कैसे की? बहुत हुआ खाना? बहुत मदद हुआ, खाना जल्दी बन जाता था, अब जल्दी सब काम पर चले जाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर कितना सस्ता है? बहुत सस्ता है, पहले तो बहुत महंगा था, हम लोग के पास तो था नहीं। क्या आपने उज्ज्वला योजना से पहले एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया था? नहीं। क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा जी, ये उज्ज्वला योजना की मतलब उज्ज्वला योजना ने आपकी किस तरीके से मदद की है? हम पहले चूल्हा पर खाना बनाते लिए तो फार्म भराल तो मोजी अंकल जी गैस दिलन तो चूल्हा का सामने रखल गैस पर खाना बनाओ थे चूल्हा रखले इला। आपने उज्ज्वला योजना से पहले एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया था? पहले वो चूल्हा जला था, अब गैस मिल तो गैस पर बनाओ थे। कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल से खाना बनाना आसान हो गया है? हाँ, आसान हो गया है। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? हाँ, स्वाद है, पहले चूल्हा से स्वाद नहीं है, अब जो स्वास्थ्य में सुधार है। स्वास्थ्य? हाँ हाँ, सुधार, बहुत सुधार है। क्या नाम है आपका? जूली। जूली, ये बताइए उज्ज्वला योजना ने आपकी किस तरीके से मदद की है और इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मोदी जी, पहले चूल्हा पर खाना बनता धुआं लगता, अब गैस मिल गल, गैस से खाना बनाला। और क्या आपने उज्ज्वला योजना से पहले एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया था? नहीं, नहीं किया। क्या इस उज्ज्वला योजना का श्रेय आप किसे देंगे? मोदी, मोदी जी को। स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ा है? स्वाद पर तो भैया भाई हमने आपके स्वास्थ्य पर हाँ, तो जैसे मेरा फर्क है भाई, हम लोग गैस पर मतलब उतना ना खाते तो धीरे 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 परिवर्तन पड़ी तो होगा करी। तो ये जो जैसे जो खाना चूल्ही पर खा ले ली तो अनेक पर खाना बनाने में नहीं, अब खाना बनाई ला तो दिक्कत नहीं है। ऐसे धुआं लगत रहा, आँख लाल हो जात रहा, धुआं के लगे से हटक हो जात रहा। पहले खाना कैसे बनाती थी आप? चूल्हा पर बनावल जात रहा। अच्छा, और एलपीजी के इस्तेमाल से खाना बनाना आसान हुआ है? हाँ। स्वास्थ्य में कितना सुधार आ गया अब? गैस पर बनाई ला सही है। आपका? लीला थी। लीला जी, उज्ज्वला योजना के बारे में आपको कैसे पता चला और आपकी किस तरह से मदद की है? हमके पता चला कि मोदी जी का भरा था फार्म तो ही भरवा लिया तो हमके मिलल। क्या आपने उज्ज्वला योजना से पहले एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया था? नहीं, चूल्हा बनात रही, चूल्हे पर वही धुआं हुआ जैसे होता रहा कभी लगत रहा। अच्छा, अब आसान हो गया खाना? हाँ हाँ, अब आसान हो। और क्या स्वास्थ्य में किस तरह से सुधार हुआ है? कि जल्दी जैसे काम धंधा आदमी जात बन कर जल्दी बना लेत भाई, कह के खलिया जात भाई। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस योजना के लिए? ये मोदी के। क्या नाम है आपका? फुल्लर देवी। उज्ज्वला योजना के बारे में कैसे पता चला? पता चला सबको भरतल तमो भरवा ले ली बच्ची। हां, तो तेज बताइए सुनाई दे। हां, सब लोग भरतल तमो भरा ले ली। आपने भरा? हां। फॉर्म भरा था? हां। तो कितना सस्ता है ये योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर? कितना सस्ता मिला? हम मतलब कि 1000 तक भरा लिया। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य कितना सुधार हुआ है इसके बाद? बताइए। बहुत हुआ। बहुत हुआ। और पहले खाना कैसे बनाती थी? चूल्हा पर। क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, उज्ज्वला योजना ने आपकी किस तरह से मदद की है, कैसे पता चला उज्ज्वला योजना के बारे में? रैली में गए थे वहाँ पर फार्म भराया। हाँ। तो वही फार्म भराया तब मिला। खाना बनाने में दिक्कत है, धुआं धक्कड़ होता है। वही जब ये उज्ज्वला योजना ने आपकी किस तरीके से मदद की है इसके बारे में कैसे पता चला आपको? मोदी जी से। मोदी जी से पता चला। और उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर कितना सस्ता है अब? पहले 1000 700 वाला, यानी 300 रुपए सस्ता है। उज्ज्वला योजना ने आपकी किस तरीके से मदद की है? अच्छा, भाई लोग हमको बोले, हम लोग के गैस चूल्हा नहीं था तब, वो कहें कि गैस चूल्हा पास करवा लो, हम लोग चूल्हा पर बनाते थे। अच्छा। हाँ, तो महीने का ये मोदी का आया था गैस, तो हम लोग गए गैस पास करा लो, बहुत दिक्कत नहीं, आप लोग खाना बना रही।
तो ये पास कराए हैं। कितना समय हो गया ये इस्तेमाल करते हुए? अरे शुरू में आए थे जब, 5 साल होगा। And finally, we have the vocal code mapping the response of people of Varanasi to one of the Modi administration's flagship schemes, the rollout of the Unified Payments Interface, or UPI. Let's take a look. Kya naam hai aapka? Rajan Sonkar. Rajan, ye bataiye, aap kitne samay se UPI ka istemal kar rahe hain? Saal 6 mahine. आप UPI को क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद ये है मैम कि डायरेक्ट खाते में पैसा चल जाता है, उससे फ़ायदा हम लोग का है, और कैश रहता तो थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम था पहले, अब ऐसे है कि ट्रांजेक्शन दोनों तरफ से हो रहा है, अपना मोबाइल से इधर कर देते हैं उधर ऑनलाइन आया। काम तो बहुत अच्छा हुआ है, मतलब UPI से होने की बहुत फ़ायदा हम लोग को हो गया है। और मतलब कि सिर्फ पैसा कैश था जो है, मतलब थोड़ा टेंशन बढ़ा रहता था, और अब चेंज नहीं, छुट्टा नहीं, तो मान लीजिए तुरंत ऑनलाइन कर दिए, ऑनलाइन आए भी जाता है, टेंशन भी उससे नहीं है, चेंज फेंज की दिक्कत भी खत्म हो गया है। सुशील, UPI यूज़ करते हो? हाँ करते हैं। कितने समय से? 2 साल से। पसंद है? पसंद है। क्यों? पैसा जाता है, खत्म जाता है, तुरंत आ जाता है। तुरंत खाते में जाता है, पैसा देता है, खाते में जाता है, तुरंत जाता है। अगर ग्राहक के पास UPI नहीं है तो मुश्किल होता है तुम लोगों के लिए? मुश्किल तो नहीं होता है, तो वो हो जाता है, वो दुख कर देते हैं तो हो जाता है। तो UPI के बिना अब जीवन की कल्पना कर सकते हो? तो नहीं होगी, वो तो खत्म पैसा जाएगा, अकाउंट में जाएगा। UPI तो सही तो है, एक नंबर की चीज़ है, ख़राब तो है ये नहीं जाता, अकाउंट में पैसा देता है वो तो। हाँ। एक नंबर चीज़ पैसा जाएगा, खत्म जाएगा। राजन सरोज UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, करीब 2 साल से कर रहे हैं। पसंद है? आसान है, पैसा लेने में आसान है। हाँ। और ग्राहक के पास अगर UPI नहीं होता तो दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत होती है। किस तरह की दिक्कत? पैसा लेने देने में। अब UPI के बिना अब जीवन की कल्पना कर सकते हो? नहीं। क्यों? दिक्कत होती है इसीलिए ना। तो इसका श्रेय किसको दोगे, इसके लिए किसको धन्यवाद दोगे? मोदी जी हैं, और कौन है, वही कर रहे हैं ना, मोदी जी कर रहे हैं, और किसको देंगे? मेरा नाम आशीष सोनकर है, और फेरी पटरी दुकान लगता है, और हम लोग UPI 4-5 साल से यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कस्टमर पहले नोट लेके आते थे कैश, तो हम लोग को दिक्कत चेंज कराने के लिए, तो अब आसान हो गया है। तो इसका श्रेय किसको देते हो? सिर्फ मोदी जी को, उन्हीं की वजह से हम लोग को सब इतना अच्छा डिजिटल पेमेंट मिला हुआ है। ठीक है। हाँ सौरभ, UPI यूज कर रहे हैं? जी मैम। लगभग कितने साल से? मैं भी 2018 से मैम। पसंद है तो क्यों? मैम देखिए, UPI आने से हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि अभी लोग कैश से ज़्यादा UPI पे ही ट्रस्ट रखते हैं, खोने का डर नहीं रहता है, कोई सिक्योरिटी ज़्यादा है मैम, यही है। मदद कैसे मिल रही है आपको? मैम बस फ़ोन लेके अपना निकल जाइए, सब काम हो जाता है सिंपल तरह से। बहुत मुश्किल है मैम, इस टाइम के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी देखेंगे तो आप लगभग 90% लोग UPI पे ही शिफ्ट हो गए हैं, अभी सभी दुकानदार भी UPI पे शिफ्ट हो चुके हैं मैम, तो अगर जिस जगह नहीं रहता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नहीं मैम, इस टाइम तो बहुत टफ हो जाएगा। मोदी जी को देंगे, और किसको देंगे, उनके आने से ही हुआ है। कितनी समय से UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं मैडम पिछले 3 साल से UPI का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और UPI बढ़िया है, कहीं भी अपना इजीली यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, पेमेंट लेना देना कैश लेके नहीं चलना पड़ता है, बहुत बढ़िया है। आपको कैसे मदद मिलती है? मदद मिल जाती है हमको कार्ड से, पेमेंट नहीं भी रहता तो भी अपना यूज हो जाता है क्रेडिट कार्ड की वजह से। अभी किसी दुकानदार के पास UPI नहीं है तो अब मुश्किल हो जाएगा आपके? हाँ अब मुश्किल हो जाएगा। कैसे? अब UPI नहीं है तो पेमेंट करने में दिक्कत होगी वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेन जायसवाल है। UPI यूज़ कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जब से लॉन्च हुआ है तब से यूज़ कर रहा हूँ। पसंद है? बेहद।
रीजन्स तो हज़ार हैं, अगर आपके जेब में 10 रुपये भी अगर वॉलेट भूल जाते हैं, इंसान मोबाइल नहीं भूलता है, तो आपको 10 रुपये के भी ट्रांजेक्शन करने हो तो UPI हो गया। आजकल सब्जी भी खरीदना है तो भी UPI हो गया है, टॉफ़ी भी खरीदनी है आपके जेब में 2 रुपये चेंज नहीं है तो आप UPI कर सकते हो। दुकानदार के पास UPI नहीं है तो दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप कंट्रीज़ में अगर आप कहीं जाते हो गाँव में जहाँ पर नहीं होते, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है UPI के लिए। जैसे लगेगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैश फ्लो तो आप कोई रखता ही नहीं है, जो पैसा रहता है UPI में ही रहता है आज के टाइम पे। किसको श्रेय देंगे? मोदी जी का इन्वेंशन है ये, हाँ बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? मेरा नाम फरहान खान है। फरहान, कितने UPI यूज़ कर रहे हो? जी मैम, कितने समय से UPI मैं यूज़ कर रहा हूँ? 8 साल से। कैसा लग रहा है? UPI एकदम बेस्ट ऑप्शन है, मतलब पेमेंट मोड का। अगर मैं कहीं भी मार्केट में जाता हूँ, मेरे पास वॉलेट मैं नहीं कैरी करता हूँ, तो मुझसे ये बेनिफिट होता है, मैं कहीं पे भी अपना सामान परचेस करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। UPI मेरे लिए ये काम आता है। अब मुझे अपना वॉलेट और कैश कैरी नहीं करना होता है, ये सारा प्रोसेस मेरा UPI से हो जाता है। और UPI एक बेस्ट सोल्यूशन भी है कि कस्टमर को कहीं भी, किसी को भी आना जाना हुआ, कहीं भी कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो अपने UPI से पेमेंट करके वो ले लेता है, क्योंकि उसको कैश की प्रॉब्लम नहीं होती है। UPI के बिना आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं? अभी तो नहीं कर सकते हैं। इसका श्रेय मोदी जी को देंगे। और क्या कहना है? और बेस्ट है, अभी तो आगे और प्लेटफॉर्म अच्छे ही आ रहे हैं, UPI से रिलेटेड सारी चीज़ें बेस्ट हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अनस अजीज़ है मैम। UPI यूज़ करते हैं? मैम यूज़ करते हैं काफ़ी देर मैम, 2016 से UPI यूज़ कर रहे हैं हम। कैसा लग रहा है, थोड़ा बताइए। मैम UPI यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें पैसा कैश लेके नहीं चलना पड़ता है, और हर आजकल छोटी मोटी दुकानों पर जैसे सिगरेट्स है, चाय है, राशन की दुकान, हर जगह UPI चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो गए। कैश की जो छुट्टी की प्रॉब्लम थी वो भी हमें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कि 5 रुपये 7 रुपये जो भी हमें देना होता है वो हम UPI से भी कर देते हैं। और उसके बाद UPI से ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ट्रांजेक्शन हमें बैंक बैलेंस चेक करना हो या कुछ भी, UPI से स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट देखने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, कि हमें सारे पेटीएम और फ़ोनपे में हमें सारे ट्रांजेक्शन दिख जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं UPI के बिना? मैम UPI के बिना अब तो कल्पना इस दुनिया में नहीं पॉसिबल है। इसको श्रेय मैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। मैम कहना है तो कि ऐसे ही इंडिया को आगे और डिजिटली बढ़ाएं, जैसे और भी अदर कंट्रीज़ में जो चीज़ें चल रही हैं वो इंडिया में और अच्छी तरीके से हो।